हेलो भैया, गाड़ी 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 अरे भैया, गाड़ी 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 अरे मैं पूरा संगम क्षेत्र घूम के आई हूँ। एक ही यही जगह है जहाँ की इतनी बड़ी इतनी सुंदर प्रतिमा लगी हुई है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख के। यहाँ पे हम लोग घूमने आए हुए हैं शाम को, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। ये प्रतिमा बहुत ही अच्छी लग रही है। कहाँ पे लगी है? संगम क्षेत्र में ये प्रतिमा लगी है, मेला क्षेत्र में। बहुत अच्छा लग रहा है जी। सामने संगम है और उसके जी, सामने ठीक सामने ये प्रतिमा है। कितना एक अलग सा एहसास दिला रहा है आपको जी? बहुत। पूरे संगम क्षेत्र में सबसे यही जगह है जहाँ ये इतनी बड़ी इतनी लंबी प्रतिमा लगी हुई है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख के। पूरा मेला क्षेत्र घूमने के बाद यहाँ संगम क्षेत्र में ये मूर्ति बहुत अच्छी लग रही है। बहुत बड़ी मूर्ति है ये। अच्छा, इससे पहले आपने कभी इतनी लंबी प्रतिमा देखी थी मेला क्षेत्र? नहीं सर, मैंने कहीं नहीं देखी है। पहली बार लगा ही है ये, इतनी बड़ी मूर्ति पहली बार लगी है ये। और कोरोना का जो भय है उसे खत्म करने के लिए केवल उपयुक्त एक ही नाम है, श्री हनुमान जी महाराज, जो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं और वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूत शत्रुओं का हनन करने वाले हैं। कोरोना काल होने के कारण पंडाल नहीं लग पाए हैं और पंडालों के अंदर जो भव्यता मंदिर इत्यादि बनते वो नहीं बने हैं, तो हमने इस बार 51 फीट हनुमान जी की प्रतिमा लगाई जो संगम के ठीक सामने है। ये एकमात्र प्रतिमा है जिसको आप पूरे मेले के किसी भी क्षेत्र से बड़े आसानी से देख सकते हैं। मकसद ये है कि युवाओं में नशा दूर हो, हनुमान जी को देखे तो भाव अपने आप पवित्र हो जाए, विचार पवित्र हो जाए और ठंडी ना लगे। सिगरेट पीने वाले गुटखे खाने वाले युवा हनुमान जी को देख करके अपने आप छोड़ दें। और कोरोना काल में चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग का बड़ा महत्व है, ऐसे में छोटी प्रतिमा होने पर लोग एक जगह भीड़ लगाएंगे। ये बड़ा कटआउट लगाने का मुख्य कारण ये है कि दूर से ही लोग दर्शन करें और भगवान का पाठ कर सकते हैं। अब इस परिक्षेत्र में कहीं भी खड़ा व्यक्ति हनुमान जी को बड़े आराम से देख सकता है और उनको देख करके मन ही मन में पाठ कर सकता है। जैसे कि हनुमान जी की देह आप देख रहे हैं, हाथ में वज्र गदा है और एक विशाल काय शरीर के साथ हनुमान जी खड़े हुए हैं। ये स्वरूप है कि अगर आप हनुमान जी का स्मरण करेंगे तो हनुमान जी आपको ऐसा ही दिव्य और तेजमय बनाएंगे जिससे आपका जीवन भी आनंदित होगा, आप सफलताओं को प्राप्त भी करेंगे और साथ ही साथ हनुमान जी की पावन कृपा भी आप पे बनी रहेगी। यही कारण है कि इस बार के माघ मेले में हनुमान जी की दिव्य कटआउट लगाया गया, पहली बार लगा है और सबसे बड़ा कटआउट आज तक का मेले में स्थापित हुआ है।